एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जहां दोस्तों नतीजे से पहले दिल्ली में किसकी सरकार, क्योंकि चुनाव खत्म हो चुका है, चुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है, लेकिन इसके लिए सबसे बड़ा और सबसे बड़े चैनल का एग्जिट पोल यहां पर सामने आ चुका है। इस एग्जिट पोल के बाद कहीं ना कहीं 70 सीटों पर चौंकाने वाले आंकड़े यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं। जहां दोस्तों आपकी बात, दिल्ली में किसकी सरकार, इसके लिए एग्जिट पोल सामने आ चुका है, क्योंकि वोटिंग खत्म हो चुकी है और इसके बाद ही एग्जिट पोल दिए जाते हैं। एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं। जहां दोस्तों देखिए, जन की बात एग्जिट पोल के अनुसार 70 सीटों पर वोट शेयर आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आम आदमी पार्टी के लिए अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी 51 से 52% वोट शेयर आम आदमी पार्टी के पक्ष में जा रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी की जो रैलियां हुई हैं और अमित शाह के जो प्रचार हुए हैं, उससे कितना फायदा हो रहा है बीजेपी के लिए, वोट शेयर में इजाफा हुआ है, लेकिन कितना इजाफा, क्या दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन पाएगी या नहीं, ये बड़ा सवाल है। आगे आपको पूरे आंकड़े दिखाने वाले हैं। बीजेपी 38 से 40 जो 34% वोट शेयर था बीजेपी के लिए, वो बड़ा है। बीजेपी के लिए जो रैलियां हुई हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी आप बड़े बड़े दिग्गज चुनावी मैदान में थे और इससे वोट शेयर में इजाफा हुआ है, लेकिन इतना इजाफा क्या वो दिल्ली में सरकार बना पाएंगे, क्योंकि लोकसभा में 56% वोट शेयर बीजेपी के पक्ष में था। कांग्रेस का यहाँ पर बुरा हाल है, पहले 9% वोट शेयर था, अब 4 से 5% वोट शेयर, इसके अलावा 5% वोट शेयर अन्य के खाते में जा सकता है। अब देखिए आंकड़े क्या है, दिल्ली की 70 सीटों पर सबसे बड़ा यहाँ पर एग्जिट पोल सामने है। आम आदमी पार्टी 48-61 सीटें यहाँ पर ला रही है, जो पहले भी यहाँ पर एग्जिट पोल आए थे सामने, जो आंकड़े अनुमान दिए गए थे मुताबिक ही यहाँ पर आंकड़े आ रहे हैं। बीजेपी यहाँ पर 9 से 21 सीटें पर आ सकती है, 3 सीटें पहले थी, लेकिन इजाफा हो रहा है जिस प्रकार की रैलियां हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का जो काम था, काम के नाम पर वोट मांगा है, उसको जनता ने एक बार फिर यहाँ पर जनता ने काम के नाम पर वोट दिया है। इसके अलावा कांग्रेस के पक्ष में 0 से 1 सीट है, अदर के लिए 0 से 1 सीट है, मतलब साफ तौर पर है कि 0 भी हो सकती है सीट। और बीजेपी 9 से 21 सीटों पर, आंकड़ा 36 सीटों पर पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाती है, जो आम आदमी पार्टी 48 से 61 सीटों पर आ रही है, मतलब सबसे बड़ी पार्टी आम आदमी पार्टी दिल्ली में एक बार फिर से सरकार बना सकती है। आंकड़े यहां पर निकल कर सामने आ रहे हैं। बहुत जल्द आपके सामने नए डेटा कलेक्शन के साथ फिर हाजिर होंगे, उसके लिए आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली जानकारी का नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलता रहे।